तो गाइस कैसे हो आप सब लोग, आज काफ़ी टाइम बाद और वो भी रिव्यू व्लॉग। काफ़ी दिन से मतलब राइड व्लॉग्स ही आ रहे थे खाली, और आज आएगा रिव्यू वाला। तो ये देख लो कुछ अपनी 310RR का लुक, अभी भी ऐसा है। फाइनली एक साल कंप्लीट होने वाला है बाइक को, और लुक देखो मतलब जैसी थी वैसी ये देखो, मेंटेन करने के ऊपर है। और 310RR आती है सिंगल सिलेंडर बाइक, जो है 310-312 सीसी की, और सबसे ज़्यादा मतलब 300 सीसी कैटेगरी के अंदर जो इतना बड़ा और बल्की लुक है वो शायद ही किसी और बाइक का होगा। जो 310RR सबसे मतलब बल्की लुक में आती है 300 सीसी सेगमेंट में। और आप इसका जो डिस्प्ले देखोगे कुछ ऐसे TFT डिस्प्ले देती है इसमें TVS आपको। और इसमें आते हैं आपके तीन राइडिंग मोड्स, फर्स्ट है चार राइडिंग मोड्स सॉरी, ये आ गया आपका राइड मोड्स, अर्बन, रेन, स्पोर्ट्स और ट्रैक मोड। अभी चार मोड के साथ आती है, और इस पर आपकी तीन ट्रिप डिटेल आ जाती हैं ABC। आप यहाँ पे सेट करके चला सकते हो। हेलोजन लाइट है इसकी, कुछ देखो इसके DRLs, ये मतलब इसके DRLs का भी कुछ नाम है, BILED टेक्नोलॉजी। अभी ये DRL सबसे बेस्ट हैं, और R15, और आप उस पर भी देखोगे जो अभी एप्रिला 457 जो आई है उसके DRLs भी इतने अच्छे नहीं जितने इसके हैं। और ये आपका इसके बाद आ जाता है इसके अंदर माई व्हीकल सेटिंग्स, सर्विस रिकॉर्ड्स आ जाएगा इसमें आपका। मेरी सर्विस को भी 31 दिन ही हुए हैं, और परफॉर्मेंस रिकॉर्ड आ जाएगा, माइलेज, स्पीड और लैप्स। और इस पर आ जाएगी आपकी प्रेफरेंस, इस पर कनेक्टिविटी आ जाएगी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है बाइक के अंदर। डिस्प्ले सेटअप है इसमें आपका, ब्राइटनेस, क्लॉक, डेट, डे नाइट मोड, कस्टम विगेट्स, ये इसमें ये मोड्स आ जाएंगे। और थोड़ा सा बैटरी का देखना पड़ता है तो बंद करनी पड़ेगी। और जो आपको उसमें TVS प्रोवाइड करती है मिशलिन रोड 5 टायर, ये देखो टायर की क्वालिटी मिशलिन रोड 5 है। ये सिर्फ टायर ही 20 से 25 हज़ार का राउंड है अगर आप बाहर से लोगे तो। जो BMW वाली है उसमें मिशलिन के टायर नहीं है, उसमें कोई और दूसरे टायर लगे हुए आते हैं। थोड़ा सा बस जो गर्म है काफ़ी, जो डिसएडवांटेज है इस बाइक की वो है ये इसका साइलेंसर। और ओवरऑल लुक देखोगे बहुत बढ़िया है, अपना हेलमेट भी अच्छा है, डबल कलर का है, ब्लैक एंड ग्रे, जो कि बाइक के साथ मैच होता है। और जो इसकी ये मैंने आफ्टर मार्केट लगवाए, पुराने वाले अच्छे नहीं लगते थे, ये थोड़े से LED वाले अच्छे, और इस थोड़े सॉफ्ट भी हैं, अगर बाइक कहीं पर टच वच होती तो टूटेंगे नहीं। ये भी आफ्टर मार्केट है, ये मैंने ये अराउंड 1500-2000 के बीच में लगे थे, पुराने हो गए अभी तो काफ़ी। एक साइड को उतरवा रखा है ये, इस साइड पे नहीं है इधर का, इसका पेज लूज़ हुआ था तो दोबारा लगवाऊंगा, घर पे रखा हुआ है। तो जो आपकी TVS इसको प्रोवाइड करती है पावर 312 सीसी के अंदर, जो कि काफ़ी अच्छी है। और आप इसको देखोगे तो मतलब उतनी ज़्यादा वो नहीं है बाइक में, क्योंकि जो जो TVS ओनर हैं उनको ऐसा लगता है कि भाई इसमें इतनी ज़्यादा वो नहीं है 312 सीसी में। और इसका जो वो है क्या कहते हैं 34 हॉर्स पावर है गाड़ी की, 27 न्यूटन मीटर टॉर्क है, डबल डिस्क के साथ आती है, 174 किलो वेट है, 174 kg। और जो कि माइलेज पे अगर इस पे बात की जाए तो भाई जो माइलेज मेरी बाइक देती है, देखो इस पे रिकॉर्ड पे लिखा हुआ होगा बाइक का कि कितनी माइलेज देती है, क्या है 32, जो कि अर्बन मोड पे अभी चलकर आई है दिल्ली से गुड़गांव, 32 की माइलेज है गाड़ी की। और यहाँ पे देखते हैं इसके ट्रिप ए के अंदर 34 की एवरेज है अर्बन मोड पे। डिपेंड करता है आप कैसे गाड़ी चलाते हो, रफ चलाते हो तो 15 से 20 की एवरेज देगी, और अगर थोड़ा सा अर्बन मोड पे नॉर्मल 60 से 70 की स्पीड के बीच में रखोगे तो आपकी जो गाड़ी की माइलेज है वो 30 प्लस भी आ सकती है, 28 से 30 भी आ सकती है, 25 भी आ सकती है, ज़्यादा बुरी नहीं है। और इतनी अच्छी बाइक के साथ यार माइलेज कौन देखता है, पर फिर भी क्योंकि बहुत से लोग यही क्वेश्चन करते हैं कि भाई माइलेज कितनी देती है, क्या देती है, तो भाई माइलेज इसकी अच्छी है। जो इसका इंजन जो लगा हुआ है, नॉर्मल बाइक के अंदर आपका सीधा इंजन होता है, इसका डोक रिवर्स इंक्लाइन इंजन है, थोड़ा सा उल्टा मतलब ऐसे करके लगा हुआ है इंजन इसका यूँ। तो ये इसको जो इनिशियल के अंदर जो सबसे ज़्यादा अच्छी पावर प्रोड्यूस करता है वो इसी वजह से है, क्योंकि इसका जो इंजन है उसका वेट पीछे की तरफ है, तो ये चीज़ इसमें थोड़ी सी हटके लगाई थी। पर
पता नहीं क्यों लोगों को मुझे ऐसा लगता है बाइक शायद पसंद नहीं आई या कोई भी इशू है। डबल डिस्क के साथ आती है 310 RR और शायद सिंगल चैनल ABS है ये वाली, ड्यूअल चैनल ABS भी आती है यानी मुझे पता नहीं, पर ये शायद सिंगल चैनल ABS है। तो बस बाइक ऐसी थी और अपनी बाइक को आज हो चुके हैं कंप्लीट 21,000 किलोमीटर, TVS रेसिंग नहीं सॉरी 20,600 किलोमीटर हो चुके कंप्लीट। और अगर मैं इसका रिव्यू दूँ तो भाई मुझे तो बाइक ओवरऑल अच्छी लगी है, ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है चलाते हुए बाइक, तो मेरी तरफ से तो ओके, कोई लेना चाहे तो आँख बंद करके ले सकता है 310 RR। बाकी बाइकें बहुत सारी हैं, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, पर ये बाइक मैंने चला ली, मुझे अच्छी लगी। इसकी थोड़ी सी आवाज़ सुनते हैं 310 RR की, जो कि है स्टॉक पे। यार बैटरी में मेरी बाइक में शायद थोड़ी सी दिक्कत, 4-5 बार स्टार्ट कर चुका हूँ, आप इसकी आवाज़ सुनो। ऑब्वियसली स्टॉक बाइक है तो स्टॉक बाइक में इतनी तेज़ जो साउंड नहीं करती, तो जो आवाज़ है वो ये है। बाइक लेते हैं, जब तक वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, टाटा बाय बाय।